भारत के राष्ट्रपति हर एक्सीलेंसी द्रौपदी मुर्मू जी, नमस्कार। मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। मैं पिछले 50 साल से कानून पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस इंडिया है वो भी मेरे जूनियर हैं कॉलेज में, और इसका मतलब बाकी सारे जज तो हो ही गए। सिर्फ इतना कि भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास में भी मैं पहला और आखिरी व्यक्ति हूँ जो 3 बार डिस्ट्रिक्ट बार का और 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी बना। मेरा आपसे आज निवेदन, रिक्वेस्ट, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन रिज़ल्ट 4 तारीख शाम तक आ जाएंगे। आपको अच्छे से मालूम है, ये आपकी पावर है, आपकी डिस्क्रिशन है कि आप किसको इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। मैं जितना आपके बारे में पढ़ा है, मेरा आपके लिए बहुत आदर है, और मुझे पक्का पता है कि आपको इस बात का इल्म है, ज्ञान है और अवेयरनेस है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो कम से कम बैलेंस है, स्टेट्समैन है। कानून की अगर हम बात करें तो कानून के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर उसकी मेजॉरिटी है तो उसके लीडर को आप इनवाइट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर मेजॉरिटी नहीं है तो प्री पोल अलायंस, इलेक्शन से पहले जिनकी आपस में एक अलायंस था, उनकी अगर बनती है तो उनको भी बुला सकते हैं। अगर प्री पोल अलायंस नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है। पोस्ट पोल अलायंस में आपको लगे कि ये सरकार, ये पार्टी सारी मिलके एक स्थिर सरकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी हमें याद रखना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज़ नॉट ए मैजिक स्टिक। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो भी लीडर बनेगा उसको आपने ज़रूर इन्वाइट करना है। ये आपकी डिस्क्रिशन है, और ये डिस्क्रिशन, ये पावर आपको अपने अगले 3 साल में कभी इस्तेमाल करने का मौका आएगा या नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये हो सकता है ये आपके जीवन का, खाली राष्ट्रपति के टेन्योर का नहीं, आपके जीवन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला हो। ऐसा बड़ा फैसला लेने का शायद आपको दोबारा मौका मिले या ना मिले ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी दिमाग में रखनी है, मेरे को लगता है कि हमें सबको सोचनी चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक व्यक्ति को मेरे को लगता है कि आपको इनवाइट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर कोई मैजिक स्टिक नहीं है। टाइम्स मैगजीन ने छापा इस व्यक्ति के बारे में, मोदी, मैं नाम ले देता हूँ जितना मुझे पसंद नाम लेने में ठीक लग रहा है, मैं पूरा नाम लेना ही नहीं चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मोदी के बारे में टाइम्स मैगजीन ने यह छापा कि ये डिवाइडर इन चीफ है। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में अभी छपा कि जिस व्यक्ति के पास पे इतने रेप के केसेस हैं उसके लिए वोट मांग रहा था। वाशिंगटन न्यूज़ में 2 दिन पहले की खबर है कि उन्होंने कहा है यूएनओ में कि ये व्यक्ति खाली देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि अभी भी स्पीचेस में ये बोलता है कि मैं घर में घुस के मारता हूँ। ये भाषा देखिए आप, कैसे आप उकसाते हैं, कैसे पूरे देश की नहीं दुनिया की आप शांति भंग कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति बैलेंस नहीं है। ये आपको भी पता है, आपको पक्का पता कर लें, आईबी रिपोर्ट्स जब से खिलाफ आई हैं तब से ये बुखला गया है। अभी भैंस बोलता है,
कभी मंगलसूत्र बोलता है, कभी बोलता है कि आपके घर से ले जाएंगे, बिजली काट देंगे, टूटी काट देंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये मैं तभी आपको कहा था मेरा 50 साल का तजुर्बा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि पूरे देश में जो 15-16 इन्होंने इतनी क्या कहें उसको, अफसोसजनक कह सकते हो, बदतमीजी की कह सकते हो, और क्राइम किया है, इसकी हर स्पीच एक क्राइम थी। और कितने अफसोस की बात है, पूरे देश में एक भी सब इंस्पेक्टर ऐसा नहीं था जो अरेस्ट कर लेता। इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, आप नफरत फैला रहे हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसकी हर स्पीच में इसको 6-6 साल की सजा हो सकती है, 3 साल की इलेक्शन लॉ में और 3 साल की नफरत फैलाने के लिए। तो सोचिए अगर 15 स्पीच की 90 साल की सजा तो यही हो गई, पता नहीं उम्र कितनी है इसकी। तो ऐसे व्यक्ति को पूरे इलेक्शन में कहीं भी बेरोजगारी पे, महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उस पे, किसानों पे, महंगाई पे बात ही नहीं करते हैं, कोई नहीं बात करते। और पूरा इनका परिवार लोग भी, तो क्योंकि जब आप भड़काऊ भाषण पे लोगों को इनाम देते हो गोली मारो सालों पे, तो लोग एनकरेज होते हैं, बाकी लोग भी यही बोलते हैं, इनके जो चमचे हैं सारे। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 50 साल के, कि खाली इनका इलेक्शन सेटिसाइड नहीं होगा, जहां जहां स्पीचेस दी हैं जितने भी वो कैंडिडेट्स थे उन सबका इलेक्शन सेटिसाइड करने से इन कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। और कोई दमदार जज आ गया तो 4 दिन में इलेक्शन सेटिसाइड कर सकता है इनका भी, और सारे वही लोग जहां जहां इन्होंने स्पीचेस दी है, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो ये चीज राष्ट्रपति जी, मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इसको आप कंसीडर करें कि क्या इसके हाथ में ये देनी चाहिए बागडोर, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो बिल्कुल पगला गया है, कहना भी कोई मेरे को लगता नहीं है कि दिमाग बैलेंस नहीं है, ये तो पक्की बात है। और ये भी आप ध्यान रखें, जुडिशरी सारी डरी हुई है, 90% जजेस आर अफ्रेड। क्या हाल देश का कर दिया आपने, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। पुलिस डरी हुई है, अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया। इलेक्शन कमीशन तो टोटल गुलाम हो चुके हैं, पूरा जमीर बेच चुके हैं, नहीं तो इतनी स्पीचेस पे उन्होंने रोका ही नहीं किसी ने। अब ये भी लोगों को डर है कि इलेक्शन मैनिपुलेट ना हो जाए, और हो सकता है कर लें, इनका कुछ नहीं पता है, ये तो सब ऐसे रंगा बिल्ला की सरकार है, ये लोगों को डर है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब इतना माहौल, इनकी इलेक्शन स्पीचेस में लोग नहीं पहुंचे, लोग हंसते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, और सबसे बड़ा जो इन्होंने पाप किया, आप सोचिए, आप महिला हैं, आप इसको ज्यादा समझ सकती हैं, आप माँ हैं, महिला हैं, अपनी माँ का अपमान जो आदमी कर सकता है, आप सोचिए, जब तक माँ जिंदा थी माँ के साथ फोटो खिंचाते रहे, अब माँ चली गई तो कहते मैं उस माँ से पैदा ही नहीं हुआ हूं। कितना एक नारी शक्ति का, अपनी माँ का जो अपमान कर सकता है व्यक्ति, सोचिए वो व्यक्ति क्या है, कितना गिरा हुआ इंसान होगा जो अपनी माँ का अपमान करता है किसी भी बात के लिए। हर दूसरे दिन पलट जाता है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, आप बोलते हो कि मुस्लिम के खिलाफ बोलते हो, इतनी नफरत फैलाते हो, जजेस डरे हुए हैं, पुलिस डरी हुई है, आर्मी डरी हुई है। देखिए आर्मी, उसमें जनरल ने नहीं बोला कि सर मेरे को क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं आप, मेरे को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, आप केयर टेकर हैं, 3 दिन इंतजार कीजिए, जो नया बनेगा वो फैसला लेगा, आप नहीं फैसला ले सकते। और टोटल आर्मी को डिस्करेज किया है ये, जो इन्होंने ये स्कीम लाके, जो आपको पता है वो जो पुलवामा जो था, पुलवामा में जो शहीद हुए वो सरकार की गलती से, लापरवाही से हुए। और सोचिए दैट वाज ए ग्राउंड, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को रिजाइन करने का ग्राउंड था, और इसको अडवाणी ठीक कहते हैं कि इवेंट मैनेजर है, उसको बेच दिया, बताइए अपनी गलती को बेच दिया, दैट वाज ए ग्राउंड फॉर देम टू रिजाइन। उसको ऐसा माहौल बनाया, इवेंट बनाया कि लोगों को होश ही नहीं रही, लोगों को पागल कर रखा है। सतपाल मलिक जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया उससे इंसान का पता लगता है कि कितना गिरा हुआ इंसान है।
जब उन्होंने बताया कि 700 किसान मर गए तो कहते वो मेरे लिए मरे। सोचिए कितना इनका तो पूरा एक इतिहास लिखा जाएगा, इनका तो जन्म ही उस पर हुआ। आपको पता है जो दंगे करा के तो इनकी राजनीति शुरू हुई, 3000 लोग मरवा के आपने अपनी राजनीति शुरू की है। तो मेरा राष्ट्रपति जी आपसे विनम्र निवेदन है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप इनको, मोदी को तो बिल्कुल इनवाइट नहीं करें। बाकी मैंने आपको तीन प्रिंसिपल जो मेरे को समझ आए मैंने बताए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट की मेजॉरिटी इन इंडिया, प्री पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस। लेकिन ऐसा नहीं कहें कि ये आपकी 200 सीटें आई है आप सरकार बना के मौका दे दी देंगे 30 दिन का ना, वो कम से कम माफ करना बिल्कुल मत करना, उससे तो ये खरीद फरोख शुरू हो जाती है, बिल्कुल शुरू हो जाती है। तो आप पहले से ही देखें कि ये ऐसा धंधा तो नहीं कर लेंगे। देखिए कितनी सरकारें गिराई इन्होंने, कितनी सरकारें गिराई, इनका तो पाप का इतना मटका भर चुका है, मेरे को लगता है भर चुका है। और मैं, आप मेरी छोटी बहन भी हैं, मैं थोड़ी ये आज्ञा ले लेता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के आज्ञा ले लेता हूँ कि राष्ट्रपति तो हैं ही, मेरे से 2 साल छोटी है, मैंने देखा है। तो आपको वो कहते हैं ना कि उनको पता भी चले वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। या फिर मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ अपनी बहन के लिए कि किस शौक, किस तमन्ना, किस दर्जा सादगी से हम आपकी शिकायत करते हैं आप ही से। आपका भी इन्होंने कोई मान नहीं रखा है माफ़ करना। आपके पास ग्राउंड था रिज़ाइन करने का जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, हेड ऑफ द स्टेट आप हैं, आपको करना चाहिए था, कितना आपका अपमान किया। मंदिर का उद्घाटन आपको करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था। मैं इसको ही कहता हूं, इनको नहीं कहता, मैं बिल्कुल मेरे दिल से निकलता ही नहीं है कि इनको, इसको नहीं करना चाहिए था। आपकी वो तस्वीर, मैं तभी छोटी बहन है माफ करना हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान है जिसमें अडवाणी और ये बैठे हैं और आप खड़े हुए हैं। सोचिए आप कितना गिरा हुआ इंसान, और उसको पूरा सर्कुलेट करते हैं, आपके प्रेसिडेंट हाउस पे पूरा कब्जा है इनका। ये मैं आपको एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कह लीजिए, लॉयर कह लीजिए, क्रिमिनल लॉयर इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, पूरा कब्जा है इसका। तो क्या मैसेज दे रहे हैं, आपका इतना अपमान हो रहा है आप पूछते ही नहीं है। फैसले सरकार लेती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप सरकार से जरूर पूछ सकते हैं एक महिला होने के नाते कि मणिपुर वायलेंस पे क्या हो रहा है, किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि नहीं। खाली प्रोटोकॉल के लिए नहीं है आप, हम 140 करोड़ ने अपना ईमान आपके पास गिरवी रखा हुआ है, आप ये सोचें। अगर आप रिजाइन कर देते हैं या सवाल पूछ लेते हैं, आप समझ लीजिए यह सरकार गिर जाएगी। आप में इतनी ताकत है, आप पार्लियामेंट के टाइम पे रिजाइन कर जाते हैं, सरकार ये गिर जाती, 100% गिर जाती, देश में इतना माहौल बन जाता कि आप एक, आप अपनी जो बनता अपनी माँ को बेच रहा है, हर पोजीशन को बेच रहा है, वोट मांगते हैं इस बात पे कि हमने महिला को बना दिया, आदिवासी को बना दिया। आप रोज, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपका ना बोलना पूरे महिला जगत का अपमान करती हैं आप, जब आप नहीं बोलती, और जब आप बोलती हैं तो पूरे महिला जगत को ताकत मिलती है। फैसला आपके हाथ कि आपको क्या करना है। और मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात मानो, मैं तो, मैंने एक लिस्ट बनाई है कितने लोग जो ईमानदार लोग हैं, ऐसे जज हैं। आप सरकारी वकील से बात मत कर लेना, सरकारी वकील तो 90% चोर है, ईमान बेच चुके हैं, जैसे वो आपका तुषार मेहता, मनिंदर सिंह, आप देखिए इनकी बहस। सरकारी वकील से नहीं, सरकारी जज से नहीं, मैं आपको जज बताता हूं जिनका एक इमेज है, जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस संतोष हेगड़े, जस्टिस अर्जुन सीकरी, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नारीमन, जस्टिस कुरेशी, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस ए पी शाह, राजीव धवन सीनियर एडवोकेट, ये मैंने 10 नाम लिखे हैं आपके लिए। आप इन इनसे बात करें, मैं नहीं कह रहा मेरी बात माने, मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि 140 करोड़ जनता के साथ
आप प्लीज बेइंसाफी मत करें, आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, आपकी खुद आत्मा भी माफ नहीं करेगी आप ठीक अगर डिसीजन नहीं लेंगे। और पूरी दुनिया में जो आदमी अशांति फैला रहा है, क्या देश को कहां ले गए आप, उसको तो बिल्कुल इनवाइट मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचे, ईमेल करता हूं आपके सेक्रेटरी को और मैसेज यूट्यूब पे डालते हैं तो पहुंच ही जाता है। जो 2000 लोगों को पहुंचे तो मेरे को लगता है अपने आप ही पहुंच जाता है, और अगर इतना इन्वेस्टिगेशन आपका नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, मेरा फिर से हाथ जोड़ के आपको प्रणाम। आपके लिए पूरे समाज का बहुत आदर है, आपसे इतना ही निवेदन है उस आदर को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि वो सदियों ने सजा पाई, वो वाली हाल मत। मेरा ईमेल ashokaroda2310@gmail.com, इस पर मेरे को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद।